तो जो ये पीछे है ना, ये मेन मंदिर है। ये वाला 80 का है और ये 40 का है और ये छोटे वाला 30 का है। चहल पहल तो दिखाई दे रही है। गाइस अभी लिया है हमने मसाला डोसा। इधर से थोड़ी आगे इसमें से ही तो आए थे। वो मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और पीछे स्विमिंग पूल है, देख सकते हो। चलो जूते खोल के जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो चलिए मंदिर का गेट। यहाँ पे जूते वगैरह खोल दिए हैं ये रे। और ये जो है ना भागसुनाग मंदिर है। पूरा लकड़ी का बना हुआ है, बाकी कुछ इस तरीके का मंदिर है। तो बस ये छोटा सा मंदिर है और वहाँ पे है शनिदेव। तो सामने शनिदेव जी का मंदिर है छोटा सा, तो देख लीजिए। तो जो ये पीछे है ना, ये मेन मंदिर है। तो यहाँ का भी व्यू आपको दिखाई दिया। तो ये जो घर है ना पूरा पत्थरों से ही बनाया हुआ है, देखिए। इस मंदिर घूम लिया है, अब चल रहे हैं यहाँ से। कि ये गेट है। गाइस अभी फिलहाल मार्केट में है। तो
तो गाइज इस शॉप पे से हमने फ्लैग लिए हैं, ये वाले तो चार फ्लैग लिए हमने। तो देखिए ये वाला 80 का है और ये 40 का है और ये छोटे वाला 30 का है। वैसे छोटे वाला भी ठीक है यार, हमने छोटे वाला ही लिया था मनाली में, 30 रुपये का सही, 25 का दिया था उसने मनाली में। बाकी बहुत सारा आइटम है भाई, ये 50 का है, ये और महंगे होंगे। चलो चलते हैं, बस हो ही गया अपना काम। तो गाइस बाइक पार्किंग में से निकाल ली है और अब मिलते हैं आपको बाइक पे, बाकी चलते हैं। तो गाइस देख लो आप रास्ता, हाथ बिल्कुल हो गई सुन, रात का टाइम है, ठंड बहुत हो रखी है। तीन किलोमीटर के आसपास रह गया हमारा होटल, बाकी देखते हैं आगे तक कब। वही लगा मामा, तेरे पैर जब भी गाइज। अभी रूम पे पहुंच चुके हैं, रूम की हालत कुछ ऐसी है, बाकी थोड़ी देर में जाएंगे खाना खाने के लिए, बाकी चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी तो रूम पे आराम करेंगे थोड़ी देर, 1-2 घंटे फिर चलेंगे यहाँ से। तो गाइज अभी 8 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं खाने के लिए, तो काफ़ी भूख भी लगी थी, हमने दिन में भी कुछ खाया नहीं था, दोपहर में बस घूमने में ही रह गए और अब जा रहे हैं खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, निकलते 8:30 बज चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं और अब जा रहे हैं खाने के लिए। तो गाइस अभी जो है मार्केट में घूम रहे हैं, अरे यार यहाँ भी है झंडे तो इधर भी मिल रहे थे, हमने वहाँ से खरीदा 80 रुपये का, यहाँ और सस्ता होगा। ये था धर्मशाला का नाइट व्यू और अब जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी है और होटल वगैरह तो काफ़ी सारे हैं, देखते हैं कौन से में खाएंगे। चलिए होटल पे ही मिलते हैं, अभी ढूंढ लेते हैं पहले किस में खाना है। गाइस हम उतर गए थे नीचे, अब जा रहे हैं दोबारा से ऊपर, नीचे तो मार्केट ही ख़त्म हो गई थी, अब ऊपर देखते हैं मार्केट है कैसी है। बाकी चहल पहल तो दिखाई दे रही है, तो गाइस अभी लिया है हमने मसाला डोसा, ये पड़ा है हमें 120 रुपये का, बाकी कुछ ऐसा होटल है। चलिए अभी खाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस खाना खा लिया है, मसाला डोसा ही खाया है, बाकी ठीक था, पेट भी लगभग भर ही गया और अब जा रहे हैं होटल की तरफ रूम में और फिर आराम से पढ़ के सोएंगे क्योंकि कल रात अच्छे से नींद नहीं आई थी। अब चलते हैं।
गाइस हमने लिया है बटर स्कॉच 50 रुपीज़ का। तो गाइस हमने ली है बटर स्कॉच केक, अब देखते हैं स्वाद कैसा है। ये दिक्कत आ स्वाद तो गाइस रूम में खा के ही पता चलेगा, तो चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, डिलीशियस। तो चलिए अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर स्वाद इसका, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये उनकी खुद की बेकरी थी ना, तो वो अच्छे से बनाते हैं इस चीज़ को। और बाकी अगर आप दुकान पे से लेते हो ना, वो कहीं और से मंगाते हैं और वो चलता काम करते हैं ऐसे ही। तो ये जो स्वाद इसमें है ना, वो किसी में नहीं है। बाकी आया तो महंगा है, 50 रुपये का पीस है, पर स्वाद बढ़िया है। चलिए मिलते हैं आपसे सुबह।